नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है तो इलेक्शन का फायदा ही क्या? जो हमारी यूथ है इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना पीटीआई, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। पाल मीडिया के हवाले से और आपसे है कि जब लाहौर में एक अदाकारा का कुत्ता गुम हो जाता है तो वो खबर मीडिया की जीनत बन जाती है, और किन बदकिस्मती से वजीरिस्तान से बलूचिस्तान से लोग उठाए जाते हैं वो मीडिया की खबर नहीं बन जाती। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की 60-65% यूथ क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहती है? अनपढ़ लोग मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? 75 साल में आपने नहीं कहा, 4 साल में कैसे हो सकता है? 9 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिलता। नाज़रीन, आज यूनिवर्सिटी के यंग तालिबिल्मों ने लाइव शो में अपने सियासी नुमाइंदों से कहा कि हमारी यूथ की पार्टी यानी कि पीटीआई को इंतखाबात से बाहर क्यों रखने की मुसलसल कोशिशें क्यों की जा रही है? पहले हमें वोट का हक तो दें, फिर हमें कुछ और देने की बात करें। नौजवान तालिबिल्मों ने अपने सियासी नुमाइंदों से ऐसे तल्ख सवालात किए जिनका इन सियासी नुमाइंदों के पास कोई भी जवाब नहीं था। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आइए आइए सर, मेरा सवाल आपसे है। सर मेरा सवाल मीडिया के हवाले से और आपसे है कि जब लाहौर में एक अदाकारा का कुत्ता गुम हो जाता है तो वो खबर मीडिया की जीनत बन जाती है, और जब वो शादी करती है तो वो भी 2-3 दिन तक मीडिया का जीनत बन जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वजीरिस्तान से बलूचिस्तान से लोग उठाए जाते हैं वो मीडिया की खबर नहीं बन जाती, वो मीडिया की जीनत नहीं बन जाती। उनको मजलूम, उन मजलूमों की आवाज़ जो माएँ जो बहनें प्रेस क्लब के बाहर बैठी है, अभी तक किसी मीडिया ने उनको मीडिया पर नहीं लाया, उनको हुक्मरानों के सामने पेश नहीं किया जो जाले हुक्मरान है। अब आपने सवाल किया तो जवाब तो आएगा ना, ये तो हो नहीं सकता ना जवाब ना आए। एक तो ये है कि आपने ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है कि मीडिया पर कवरेज नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको आदादोशुमार से बता सकता हूं कि मीडिया के ऊपर गुमशुदा अफराद, चाहे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो चाहे वजीरिस्तान से हो, उनकी खबरें लगती हैं। आप क्वांटम के ऊपर, आप मकदार के ऊपर बहस मुझसे कर सकते हैं, और वो आपका हक है कि इतनी नहीं, इससे कहीं ज्यादा खबरें होनी चाहिए, उस वो आपका हक है और वो मैं कंसीड करूंगा। गुजारिश सुन लेना, आपने जवाब तो मुझे देने देना, आप तो सवाल कर लिया। नंबर वन, तो ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है कि इन इश्यूज की कवरेज नहीं होती। इन इश्यूज की गूंज सेनेट के अंदर मौजूद है, इन इश्यूज की गूंज अखबारों के अदारियों के अंदर मौजूद है, इन इश्यूज की बाज़ औक़ात गूंज टेलीविजन के ऊपर आपको नजर आएगी। टेलीविजन की कवरेज कम है, ये मैं कंसीड करता हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे कवरेज कम क्यों है, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट का जोर होगा, सेंसरशिप करते होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। कहीं पर एडिटोरियल तरजीहात हैं, हो सकता है कि आपको किसी अदाकारा की शादी और उसके कुत्ते में कोई दिलचस्पी नहीं हो, एन मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस खबर में दिलचस्पी है, और सिर्फ खबर एक ही नहीं चलती, बीसियों खबरें चलती हैं। मैं आपसे इस हद तक बिल्कुल इतफाक करता हूं कि जो क्वांटम ऑफ कवरेज है, जो मकदार कवरेज है और जो उसकी तरजीहात हैं, उसमें बहुत सुकम है, वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ ये भी गुजारिश है कि ये प्रेस क्लब्स के सामने से उठ के पार्लिमान के सामने भी जाना चाहिए, और यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं, जो सियासतदान हैं, जो यहाँ के बड़े हैं, उनको भी ये केस प्लीट करना चाहिए। लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी, इस हद तक मैं आपसे बिल्कुल इतफाक करता हूँ कि सेंसरशिप होती है, लेकिन अगर आप मेरी जाती बात सुने, मुझे तो कभी किसी ने नहीं ये कहा कि प्रेस क्लब के सामने से जाके प्रोग्राम नहीं करें। आपको साबित करने के लिए मैं जाके प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल शायद एडिटोरियल तरजीहात की बुनियाद पर मैं ना करूँ। अब बताइए सर, मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से लोगों को उठाया गया है, बलोच स्टूडेंट को मैंने कभी मीडिया पर नहीं देखा, वो उसका नाम क्या, बलोच हफीज बलोच को उठाया गया था उनको न। सर अगर उनका कसूर है तो अदालतों में पेश करें, हम भी सुनेंगे, कसूरवार है तो उनको सजा दें। आपका ये हिस्सा हफीज बलोच के हवाले से ऑन एयर जाएगा जूं का तो, इस तरह का बलूचिस्तान का भी एक स्टूडेंट उठाया गया है, नाम ले रिसेंटली, मेरा मुझे नाम नहीं, नाम ले, अच्छा ठीक है, कहाँ से उठाया गया था? यूनिवर्सिटी से सर, यूनिवर्सिटी से 2 स्टूडेंट्स उठाए गए सर, पहले उठाए गए थे। अच्छा, तो सर उनको बाद में छोड़ाया गया, लेकिन ना अदालत के सामने उनको भी उठाए जाते हैं, उनका कसूर है अदालत के सामने तो उनको पेश करो ना सर। फेर रहा, ठीक है, आपका ये हिस्सा चलेगा प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। आइए सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो कैपिटल यूथ एक्सपो हो रही है, ठीक है, आपने काफ़ी डोमिनेटिंग पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे, बट जो हमारी यूथ है इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना पीटीआई, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, व्हाई?
हमने वो इंट्रोडक्शन लाइन जो हमने रखा हुआ था, हमने बैरिस्टर गौहर को बुलाया, बैरिस्टर गौहर ने ओके किया, बैरिस्टर गौहर वॉज पार्ट ऑफ द पैनल, दैट इज वाई यू वुड सी। ये चौथा नंबर क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़े जरा दूसरों के लिए। बैरिस्टर गौहर खान वकील चेयरमैन पीटीआई, चौथी कुर्सी उनके लिए रखी। पर कोई और भी तो आ सकता था उनकी जगह। देखे मुझे इल्म नहीं है कि पार्टीज क्यों अपने नुमाइंदगान को भेजती हैं, क्यों पार्टीज नहीं भेजती। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हमारे दरवाजे खोले थे, उनकी कुर्सी धरी थी, उन्होंने मुनासिब समझा कि इस मौके पर वो ना आए। आई विश के आते, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता, लेकिन आप ये ना समझे कि हमने उनको दावत नहीं दी थी। ये शवाहिद हैं, सनद है, ताकि बवक्ते जरूरत काम आए। ठीक है, शुक्रिया आपको, खिताब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे तमाम पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे, सब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किए हैं, और किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि 9वें दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए। वेल डन। कानून की बात हम क्यों नहीं करते। सबने यहाँ बात की, हम जवानों को ये दे रहे वो दे रहे, पहले उनको वोट का हक तो दे, उसके बाद देखेंगे आप हमें क्या दे रहे हैं। तो मैं तमाम जो सियासी कायदीन यहाँ पे मौजूद थे, सबका एहतराम है, जो भी थे एज अ पर्सन हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें वो ये बताएं हमारे इस सवाल का जवाब है कि वो एज अ पार्टी मेंबर क्या काम किया उन्होंने आज तक। सबको टाइम मिले हैं, किसी को 10 साल का 40 साल तक का भी टाइम मिला है, लेकिन यहाँ कोई भी मिल के बैठ नहीं रहा, सब आपस में लड़ रहे, कोई मजहबी कार्ड खेल रहा है, और कोई ये गंदी सियासत के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, लेकिन कोई ये नहीं कि हम कानून की बात कब करेंगे, ये पार्लियामेंट क्यों है, इसका जवाब दें हमें। फेयर इनफ, लवली, आइए आइए। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो इस पूरे मुल्क से है। जब कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था तो उसने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, तो क्यों आज हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ईसाइयों के चर्चेस तोड़े जा रहे हैं। जिस इंसान ने इस मुल्क को फाउंड किया, जब वो हमें राइट दे रहा था, जब वो कह रहा था कि हम फ्री हैं, तो आज हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहे हैं। देखिए जवाब ये है कि जब आप मुल्क के अंदर आइन और कानून की, अभी बलोच स्टूडेंट्स की बात हुई, आइन और कानून की इन्फोर्समेंट को ताकतवर के हाथ में छोड़ देंगे तो दुनिया को कोई भी बड़ा मुल्क हो उसके अंदर जो वल्नरेबल माइनॉरिटीज़ होंगी वो हमेशा रिसीविंग एंड पे होंगी। तो ये हिंदू स्पेसिफिक नहीं है, ये क्रिश्चियन स्पेसिफिक नहीं है, मेरा मानना है आपकी चूँकि वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है तो आप पर असर ज़्यादा होता है, लेकिन आई कैन अश्योर यू अगर आप मुकदमात की तफसील में जाएँ तो जो मुसलमान गरीब है वो मुसलमान गरीब नहीं है, वो गरीब है, जो वल्नरेबल है उसके एदाद शुमार भी इतने ही भयानक होंगे, लेकिन चूंकि आप माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं तो आपका मुकदमा ज़्यादा तगड़ा है। मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पर कानून की इन्फोर्समेंट और आइन की इन्फोर्समेंट कमज़ोर पड़ जाती है वहाँ पर ये मामला ज़्यादा होते हैं, इसका तदारक होना चाहिए, और पहला अमल ये है कि आपने आवाज़ उठाई, गुड फॉर यू जी। सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि आजकल पॉलिटिशियन जो हैं वो अबडक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो आते हैं मीडिया पे, और कुछ आपके फेलो जर्नलिस्ट हैं जो इंटरव्यू करते हैं और फिर उस पर फ़ख्र भी करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब एक ऐसे पॉलिटिशियन का जो अबडक्ट होता है जिस पर इतना प्रेशर होता है, और जो मीडिया के जर्नलिस्ट इंटरव्यू करते हैं उनको भी ये बात पता होती है लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें नहीं पता और फिर वो इंटरव्यू करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसे जो जर्नलिज़म है ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है, और जो आम आवाम होती है उसके दिल में फिर जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट के लिए एक उसकी जो वो कहते हैं वो ख़राब हो जाती है, एक उनका जो व्यू होता है वो ख़राब हो जाता है, तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन था, आप इसके बारे में क्या कहना चाहें। मेरी पॉलिसी तो बड़ी वाजह है जी कि मैं किसी के कहने पर कोई इंटरव्यू नहीं करता, चाहे वो शख्स अबडक्ट हुआ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो या आर्मी चीफ हो, मैं किसी के कहने पे इंटरव्यू नहीं करूंगा, और मैं अपने जर्नलिज्म का ज़ाती तौर पर इसी हद तक ज़िम्मेदार हूं। अब आपने जब असूल की बात की कि क्या ऐसा होना चाहिए, वाज़े अंदाज से बता रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, वाज़े अंदाज से बता रहा हूं, मेरी एडिटोरियल पॉलिसी इसके ऊपर 110% क्लियर है। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये जब वो प्रोग्राम करेंगे तो उनसे आप ज़रूर पूछिएगा। यानी आप इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, आपके कंडेम का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, मेरा लफ्ज नहीं है, नहीं, मेरी पॉलिसी बड़ी वाजे है, मैं ये नहीं करता। जो ये करते हैं हो सकता है उनके पास कोई इदारती एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, आई डू नॉट नो, बट यू नीड टू आस्क देम, लेकिन वो क्यों करते हैं, क्यों हुआ, इसका जवाब मैं उनके बिहाफ पे नहीं दे सकता। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आप देखते हैं मुल्क में कई बार आइन टूटा है,
कुछ तो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगे हैं, और अब आप देखते हैं 2018 से पहले भी और अब भी हो रहा है, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो लोग जो पसे पर्दा ये सब काम करते हैं, आइन तोड़ते हैं, पाकिस्तान से गद्दारी करते हैं, तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती? आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या है कि ऐसे लोगों को अभी तक सज़ा नहीं मिल सकी पाकिस्तान? देखें, ये आपने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का आपने परसों शायद स्टेटमेंट देखा होगा, आपने अतर मनिल्ला साहब का स्टेटमेंट देखा होगा, और उन्होंने तो ये भी कहा कि जो जज साहिबान मार्शल लॉ की हमायत करते रहे हैं उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। ये आपने पढ़ा ना स्टेटमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि उन सहाफ़ियों के बारे में भी बताएं जो मार्शल लॉ के हक में रहे हैं। मार्शल लॉ वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। जलपरवेज मुशर्रफ को सज़ा हुई, कोर्ट को निगेट कर दिया गया, अब वो दोबारा से मुकदमा मौजूद है। तो मेरे ख्याल में हालात तब्दील भी हो रहे हैं। क्यों नहीं इनको सज़ा मिलती? क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत ताकतवर होते हैं। एक और वजह से भी सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि वो अकेले मार्शल लॉ नहीं लगाते, उनके साथ बहुत सारे ऐसे सियासतदान जो आजकल बहुत या मकबूल हैं या मजलूम हैं उनके साथ खड़े हुए होते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तारीख पढ़िए, ये देखिए कि मार्शल लॉ लगाने वालों के साथ कौन कौन सा सियासतदान खड़ा रहा, तो जवाब आपको मिल जाए। मेरा सवाल तो सबसे पहले ये है कि आज के जो यूथ की बात हो रही है, जो यूथ है हमारी, जो एजुकेशन हासिल करके भी परेशान है, हासिल नहीं करती हैं तब भी परेशान है, इनके अंदर बेचैनी फैली हुई है, कहते हैं कि उनको अपनी कोई डिस्टिनेशन, कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही आगे, तो इसके हवाले से हमने क्या ऐसे इकदाम करें कि हम आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS कर रहा हूँ। किस में कर रहे हैं? BS कॉमर्स में। कॉमर्स में क्यों कर रहे हैं सर? कोई बिजनेस के हवाले से। नहीं, आपने सोचा है कि दाखिला नहीं मिला था? नहीं सर, सोच के दिया है। और कितने साल आपको? 4 साल हो गए हैं आपको? यस सर। अच्छा, इसके बाद किस किस्म की प्लानिंग आपके जहन में, कैसा बिजनेस करेंगे? मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रही इस मुल्क में, पाकिस्तान में। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने कॉमर्स में दाखिला लिया, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इनको इल्म नहीं है कि डिग्री लेने के बाद ये बिजनेस क्या करेंगे, जो मेरे ख्याल में 90% यूथ का मसला है। यस, कि डिग्रियां लेकर इल्म नहीं है कि आगे जाना क्या है, कहाँ पे है। इसमें तो वोट डालेंगे आप? सर वोट नहीं डालेंगे, वो भी ठीक है, नहीं वोट नहीं डालना भी वोट डालना होता है, लेकिन आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? इस मतलब जिसको भी वोट डालेंगे, अगर उनका बंदा वोट लेने के लिए आपके पास आए तो आपने उससे पूछना है कि भाई ये मेरी कॉमर्स की डिग्री है, यस सर, मेरे मुस्तकबिल के बारे में मुझे बताओ तुम्हारे पास प्लान क्या है। यस सर। तो जवान तालबिलमो ने बिल्कुल ठीक कहा कि 90 डेज के अंदर पहले आप इलेक्शन तो कराएं, पहले हमें वोट डालने का हक तो दें कि हम जिसे चाहें अपनी मर्जी से वोट डाल सकें, उसके बाद आप कुछ और देने की बात करें, क्योंकि हम जिस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं उसको आपने पहले ही सिस्टम से आउट करके रखा हुआ है। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है, PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा या नहीं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।